नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो अभी कल खबर अखबार में आप देखेंगे, इसे अभी की खबर है, ये पूरी जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ, कल आप अखबार में देख लेंगे इसे। UPPCS 2019 के बारे में मैंने ये बात पहले ही बता दी थी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो में फॉलो आपने किया हो तो पहले कैलेंडर आएगा, 900 से ज़्यादा पद होंगे, ये वाला एडवर्टाइजमेंट आएगा UPPCS 2000 का, देख 2019 का। चलिए आप ये खबर देख लेते हैं और इस खबर पे पहुँचे उससे पहले, आप सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं हमारे, फ्री में कोचिंग है। जैसे आप 2019 की अगर हम बात करें तो आपसे पूछ लेंगे मियामी कप कहाँ हुआ, किसने जीता मियामी कप, या हाफमैन कप किसने जीता, तो इसकी ट्रिक बना देते हैं कि ये बहुत सारे कप होते हैं तो याद करना में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। अब भिलंगना कहाँ मिलती है, लखनंदा कहाँ मिलती है, दाएं हाथ की देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन, रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है, तो मंदाकिनी कहाँ मिलती है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसे हम ट्रिक से याद करा देते हैं। जैसे अब ये संविधान के भाग में पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, देखिए तैयारी आप जहाँ कर रहे हैं वह करते रहें, हम लोगों का काम तो आपको जी के ट्रिक से याद कराने का है और फ्री है, कोई भी किसी भी मामले में कोई पैसा नहीं देना। अब बात करते हैं इस खबर की। प्रयागराज UPPCS ने अब तक PCS 2019 की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है, ठीक है, और नहीं RO ARO भर्ती परीक्षा के बारे में कोई जानकारी है। आयोग मई के अंत तक, मई के लास्ट में, आज तारीख एक हो गई है, तो मई के लास्ट में जुलाई से दिसंबर तक की परीक्षाओं का अर्धवार्षिक कैलेंडर जारी करने की तैयारी में, तो आप पक्का मान लीजिए कोई हाल फिलहाल नोटिफिकेशन नहीं आना है, कैलेंडर जारी होने के बाद ही परीक्षाओं की तिथि सामने आएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि PCS 19 और RO ARO की परीक्षा की तिथि अब तक घोषित नहीं की गई है, परीक्षा तिथि को लेकर ऊहापोह की उपस्थिति बनी हुई है। अभी ये कहीं भी खबर आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगी, ये वाली खबर, और इसी वजह से अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आयोग जल्द से जल्द जुलाई से दिसंबर तक की परीक्षाओं का वर्ष 2019 का दूसरा अर्धवार्षिक कैलेंडर जारी करे। आयोग की ओर से अब तक जनवरी से जून तक, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, पिछले बार ये भी हो गया था, और इस बारे में आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि जुलाई से दिसंबर तक का परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, मई के अंत में, आप ये मान के चलिए जून में भी अगर आ गया तो नोटिफिकेशन बोई जाएगा जुलाई लास्ट में, ये बात जुलाई वाला तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो आप तैयारी अभी करते रहिएगा। देखिए पूरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये तो करंट जीके आपको पढ़नी पड़नी है। अगर पेपर होता है अक्टूबर नवंबर में तो फिर मैं तब बताऊँगा आपको करना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, और स्टैटिक जीके तो हर एग्ज़ाम के लिए तैयार करनी होती है, तो उसके लिए हम ट्रिक्स प्रोवाइड करा देते हैं। UPPCS BPSC 65वीं मेंस के लिए, 65वीं प्री के लिए, 64वीं मेंस के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, हैव ए नाइस डे, बाय। और हाँ, MPSC का भी मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, MPSC प्री को ऑनलाइन करने जा रही है, पिछली वीडियो MPSC की देख लीजिए आप, ऑनलाइन करने जा रही है, किसी के पास भी वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो मैंने अभी अपलोड किया है। हैव ए नाइस डे।